हेलो दोस्तों, और स्वागत है एपिसोड नंबर 17 में स्टील राइजिंग के। सो लास्ट एपिसोड में अपन ने एक टाइटन बॉस को हराया था। टाइटन बॉस बेसिकली मेन बॉस जो गेम का है, सेंचर नाम का। तो उसको हराने के बाद अपना बैस्टी जो फाइनल लोकेशन है एरिया का, वहाँ पे जाने का रास्ता खुल चुका है। तो ये बैस्टी जो लोकेशन है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है गेम का, यानी कि वहाँ पे जाने के बाद तुम साइड मिशन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज के एपिसोड में और मे बी अगले एक या दो एपिसोड में अपन जितने भी साइड मिशन है वो कम्प्लीट करने वाले हैं। एनीवेज, पिछले एपिसोड में अपन को दो नए कैरेक्टर मिले थे, मैरेट एंड लैकोस करके। तो ये दोनों, ये जो टनल्स थे वहीं पे छुपे हुए थे जब ये रोबोट्स ने अटैक किया था। एंड इनमें से एक बंदा राइटर है, उसे लगता है ये जो नोबल्स जो बचे हुए लोग हैं वो सब करप्टेड है, एंड ये उनके अगेंस्ट लिखता था, बट इसके बुक्स वगैरह उन्होंने बर्न कर दिया। तो पिछला एपिसोड रैप अप करने के बाद अपने पास एक साइड मिशन, मतलब रैप अप करने से पहले एक साइड मिशन यहाँ पे दिख रहा था कि अपन को मैरेट से बात करना है, वो अभी गायब हो चुका है। तो जो सेंट्रल लिफ्ट अपने एक्टिवेट किया था लास्ट एपिसोड में बॉस फाइट के लिए, यू कैन यूज दैट लिफ्ट एंड अपन वापस मैरिट के हाइड आउट पे जा सकते हैं एंड उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उससे जब अपन बात करते हैं, ये ऑफ रिकॉर्डिंग हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो बताते हैं ला फाइटे जो एक कैरेक्टर जिससे अपन पहले काफी बार मिल चुके हैं, वो करप्टेड है। एंड ऑल्दो वो किंग से नहीं मिला हुआ है, लेकिन उसके अपने खुद के अलग प्लान्स है। वो बता रहा है कि वो अपनी आर्मी रेस करके काइंड ऑफ एक डिक्टेटरशिप क्रिएट करना चाहता है वो। तो एक और नया साइड मिशन अनलॉक हुआ, अगर आपको याद होगा तो ये वाले लोकेशन में दो साइड मिशन थे, निकोलस फेमल क्रिप्ट वाला एंड ये होटल वाला। तो ये सर्च द प्लेस ऑफ डुआफाइन करके एक नया साइड मिशन ऐड हुआ, जो अपन को एक्चुअल में ला फाइटे जो है ये मतलब एक डिक्टेटर, मतलब उसके अपने अलग प्लान्स है कि नहीं, मतलब वो एक तुम बोल सकते हो बिट्रेयल नहीं बोल सकते क्योंकि वो किंग के साइड नहीं है, लेकिन वो एक अलग नेगेटिव कैरेक्टर एज अ गेम में बता रहा है उसे मैरिट। तो उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं ये लोकेशन जाके सर्च करके देखो, अपन को प्रूफ मिल सकता है। तो ये तीन साइड मिशन अपन को एक करना है। उसके अलावा एक कोई साइड मिशन कंटिन्यू करने के लिए अपन को ला फाइटे के पास वापस रिपोर्ट करना है। तो ये एक अच्छी बात है तुम लोग को, जिनको पता नहीं इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है, मैं भी काफी बार कंफ्यूज होता था कि कौन कौन है। तो अपन ला फाइटे से मिलने जाएंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कौन ये बंदा। वैसे ये बंदे से अपन, ये वन ऑफ द स्टार्टिंग एनपीसीज था जो अपन को मिला था। एक्चुअली आई थिंक लेस इनवैलिड्स अपना पहला लोकेशन था ये सेंट क्लाउड के बाद, जहाँ पे अपन एक फैक्ट्री लोग एरिया पे जाते हैं वो कौन सन यूजीन वो कौन सन को ढूंढते हुए, तो उधर अपन को सबसे पहली बार ला फाइटे मिलता है। तो एकदम स्टार्टिंग का एनपीसी था वो। एनीवेज, एट द मोमेंट अपन सेंट क्लाउड में, तो यहाँ पे कुछ भी साइड मिशन नहीं है, बट ये अपना स्टार्टिंग का एरिया था एंड यहाँ पे कुछ ग्रैपलो के लोकेशन, कुछ ऐसे ब्रोकन वॉल्स वगैरह जो अपन अभी एक्सेस कर सकते हैं। अपन जल्दी से ये एरिया पार कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पे कुछ लूट वूट अगर जो भी छूटा हुआ है उसे उठा के आगे चले जाएंगे ऐसे। तो अपन कार्ट से, ये जो अपना कार्ट है उससे पहली बार यूज करके ये लोकेशन पे आए, अगर आपको याद हो तो ये वो एरिया था जहाँ पे अपन ने अपना पहला, पहला नहीं दूसरा मिनी बॉस फाइट किया था, एंड वहां से अपन ने बोट लेके अपन पेरिस की तरफ चल पड़े थे। तो अभी यहाँ पे बॉस नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल एनिमीज डाल दिए गए, तो ये गेट मैं यहाँ से खोल नहीं सकता। आई थिंक वी नीड अ की और समथिंग, द गेट इज लॉक, तो घूम के जाना पड़ेगा अपन को। बाकी मैंने अपने जो फ्रैंकलिन बैटन्स इसका नाम कुछ और है, ये वाले बैटन्स भी लेवल 5 पे अपग्रेड कर लिए। सेंट एल्मो बैटन्स, ये फुलमिनेशन वाला है, अब ये वाला लेवल 4 पे, इसको भी लेवल 5 पे करना है। जब अपन को रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो वो भी कर लेंगे अपन। दो एनिमीज देख रहे होंगे, द ब्रोकन वॉल देयर, ब्रोकन गेट। थिंक वहां पे बोर्ड पे कुछ शिप, पे एरिया नीचे की तरफ जा रहा है, एंड क्या अपन ये गेट खोल सकते हैं? तो वही एक लोकेशन बचता है, आई थिंक वो गेट अपन ऑपोजिट साइड से आके खोलना रहेगा।
3 में वो सोच रहा हूँ इसको कैसे उठाएंगे, पर कोई तरीका होगा उस तरफ से आने का, क्योंकि वहां पे एक गेट दिख रहा है जो अपन तोड़ सकते हैं। एंड ये जो लूट दिख रहा है, आई थिंक ये कोई फ्लैशबैक मेमोरी होगी वो बंदे की। तो ये जो फ्लैशबैक मेमोरी वाली लूट होती है ना, ऐसे थोड़ा सा अलग से ग्लो करती है। चैपल क्रिप्ट, तो ये एरिया टोटली तुम्हारा साइड कंटेंट है, लेकिन अपन ने पहले कभी इसको एक्सप्लोर किया नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। भाई ये डैमेज क्या दे इसने, अरे तरफ निकला। अच्छा वो गेट तो वो अब वहां पे है जो लॉक है, मैं डायरेक्ट ऑपोजिट साइड आया हूँ। ठीक है ओके, आई गेस यहाँ से वो ब्रोकन एरिया भी एक्सेस हो जाना चाहिए जहाँ पे लूट पड़ी थी ना, कहीं पे होगा। लास्ट एपिसोड में अपन को एक नया वेपन भी मिला था, और ये एक और नया वेपन मिला। जो पिछले एपिसोड में वेपन मिला था वो शायद एक फायर पिस्टल था, ये रहा। और ये वाला फिजिकल रोमन पार्टिसन, ओके फुलमिनेशन वेपन है आई थिंक ये ज़्यादा। इस पर एल्केमी स्केलिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं अगर फुल्ली भी इसको अपग्रेड करूँगा तो भी ये शायद सी स्केलिंग तक जाएगा। हैवी वेपन है या मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स काइंड ऑफ स्ट्रेंथ बिल्ड। उसके एक बार दो सेट देखते हैं। हेलबर्ड है, स्पेशल मूव क्या है इसका? एन आर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म्स अराउंड एजेस एंड इन्फ्यूजेस पार्टिस। ओके ये एक्चुअली फुलमिनेशन इफेक्ट आता है इस पे। हाँ इट्स अ कूल वेपन, डोंट नो कि इसे, लेकिन मैं अभी अपग्रेड करना चाहूंगा तो थोड़ा सा यूज करके देख सकते हैं, बट इसका स्केलिंग इतनी अच्छी नहीं रहेंगी अभी, अटैक डैमेज वगैरह। इज दैट अ मिनी बॉस? हाँ यस इट्स अ मिनी बॉस, कोने में छुप के बैठा था बिल्कुल। फायर वाले पैटर्न चाहिए थे मैंने।
अपना वेपन बदला और उतने में मिनी बॉस आ गया। एक्चुअली मिनी बॉस यहाँ पे होते हैं ना आसपास के एक थोड़े से बड़े एरिया में, ब्लू कलर का फॉग होता है ये, लेकिन एकदम से हाइड होके बैठा हुआ था। ओल्ड की, आई वंडर कि ये की शायद उस गेट का हो सकता है जहाँ पे वो बॉस फाइट था। ठीक है, मुझे लग रहा है उसी का होगा फिर वो। यूज करके देखते हैं, बट ये सारे फुलमिनेशन वाले बंदे खड़े यहाँ पे। ठीक है, जंप हैवी अटैक मुझे पसंद आ रहा है। ओके, नॉट अ बैड वेपन, अगर अपग्रेड करो तो इसको यूज कर सकते हैं ऐसे हैवी वेपन ऑल्टरनेटिव, बट मैं फिलहाल, मेरे पास ऑलरेडी, तुम अगर देख रहे हो तो ये बैटन्स भी फुलमिनेशन वाले, ये भी फुलमिनेशन वाला है, तो मैं भी पहले बैटन्स जो है मेरे आइस वाले उसको फुली अपग्रेड करूंगा, फिर इसको इस पे पॉइंट डाल के देख सकते हो। गोली चलाना बंद कर दे। मैं पावर ही एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या अब जाके एक्टिवेट हुई है? फाइनली उस पर वो कुलमिनेशन इफेक्ट वर्क किया। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लिया जाए और ये वेपन को अपग्रेड कर लिया जाए, श्योरली वी कैन यूज इट। एंड इसका लेवल 1 है एंड ये ऑलरेडी बेस डैमेज जो है इससे ज्यादा कर रहा है जो फुली अपग्रेडेड है उससे। जब मैं इसको फुल्ली अपग्रेड करूंगा तो सोच सकते हैं इसका डैमेज और बढ़ेगा। वैसे इसकी स्केलिंग पावर एफिनिटी ज्यादा है, यानी कि क्लियरली स्ट्रेंथ बिल्ड के लिए ज्यादा अच्छा है वो। ये वो गेट था जो ऑपोजिट साइड से अपन ने देखा, तो इतने या इस तरफ बस अपन की उठाने आए हैं। यस, या यहाँ पे कुछ और है नहीं, उनके यहाँ से वापस जाना है वो गेट खोलने जहाँ पे अपन ने एक्चुअली अपना मिनी बॉस फाइट किया था ये लोकेशन छोड़ने से पहले। और बस अपना ओल्ड लोकेशन जो था उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक सेकंड, चेक पॉइंट ट्रिगर कर लेते हैं, अपने हीलिंग वाली चीजें रिस्टोर हो जाएंगी। अपग्रेड्स में फायर चेन ये टी दे रहा है, एल्केमी डी ही रहेंगी, इसका एल्केमी स्केलिंग बढ़ नहीं रहा है वैसे, इसको अपग्रेड कर दूं। ये मुझे ये स्केलिंग बढ़ नहीं रही है, तो काइंड ऑफ फायर चेन जैसा ही है। फायर चेन तुम्हारा एक मीडियम वेट एल्केमी वाला वेपन है, ज़्यादा पावर स्केलिंग की तरफ वो भी लीन करता है। ये भी सेम हैवी वेट एल्केमी वाला वेपन है लेकिन पावर स्केलिंग की तरफ लीन ऑन करता है। पावर स्केल एफिनिटी देखो ये हो गई,
अब इसको बिस्मुथ ब्लॉक चाहिए तो मैं ऑब्वियसली वो यूज नहीं करने वाला क्योंकि मैं वो बचा रहा हूँ प्लेस के लिए। पहले दो लेवल के लिए तुम्हें कॉपर और आयरन लगते हैं एंड ये पॉइंट गेम के मेरे पास कॉपर और आयरन बहुत सारा है। तुम्हें ऐसे तुम्हारे कार्ड के अंदर एक ऑप्शन आता है आई थिंक क्या नाम है ब्यूटी करके शायद, तो वहाँ से तुम खरीद सकते हो। काइंड ऑफ शॉप है, लिमिटेड नंबर्स होते हैं लेकिन वहाँ पे तुम्हें थोड़े बहुत ब्लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। ये बॉस बॉस इधर पड़ा हुआ है आई थिंक ये शायद ट्रैवल टू पेरिस है। एक्चुअली यहाँ से अपन कूद के आए थे बॉस फाइट के लिए ऊपर से। ओहो ओहो ये कहाँ से निकल गया है। आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें मुझे याद है अपन को किस तरफ जाना है। बहुत ज़्यादा लोकेशन नहीं है, दो तीन लोकेशन ही है। यहाँ के एनिवीज चौबूस है इनसे अपन ऑलरेडी बैठ चुके हैं, किसी जरूरत है नहीं। यहाँ से स्लाइड डाउन करके नीचे आया था तो वहाँ पे ग्रैपलू वाला लोकेशन है तो ऊपर डेफिनेटली लूट है मुझे पता है। कैसे ऊपर अपन जाएंगे कैसे सवाल ये है। एक और गेट है जो ब्लॉक्ड है। तरीका होना चाहिए एक्सेस करने का। गेट ऑपोजिट साइड से खुलने वाला है। अंदर थोड़े टफर एनिमीज है, वो जो बड़े से हॉल टाइप वाले एनिमीज है वो है। वापस क्लाइम तो नहीं हो रहा है। Thank you.
मेन जो लोकेशन है ना जो बच्चा एक्सप्लोर करने का, वो अंदर की तरफ ही है। कभी गेट वगैरह लॉक्ड है तो अपन के जो चेक पॉइंट है उसको भी फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकते, नहीं तो मैं अंदर के किसी चेक पॉइंट के तरफ फास्ट ट्रेवल करके जा सकता था, बट तो ऐसा एक ऑप्शन है नहीं गेम में। एग्जैक्टली आइडिया नहीं अपन अभी वो दूसरे लोकेशन पे जाएंगे कैसे। अपन एक काम करते हैं, जो अपने दूसरे साइड मिशन है उसे करते हैं। मुझे अब ये लोकेशन वापस आके एक और बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हो सकता है मैं कुछ ना कुछ हिडन मिस कर रहा हूँ, कहीं पे कोई ग्रैपल हो गया कुछ होगा जो मैं मिस कर रहा हूँ, एंड वो अपन को मे बी वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया की तरफ ले चले। तो लेट्स गो टू लास्ट सिटी एंड वहाँ पे अपने पास 3 साइड मिशन है, उनमें से जितने भी हो रहा है मैक्सिमम आज के एपिसोड में कंप्लीट करते हैं। लाफाइते से भी बात करनी है, उसके लिए अपन को वो कवनेंट जाना पड़ेगा जो उनका हाइड आउट है वहां पे। एक्चुअली पूरा जोन में एक ही साथ एक्सप्लोर करना चाहता था अपन ने, बस वो स्टार्टिंग में जो वेपन मिला अपन को वो एक लूट का लो एरिया था वहां पे, और कोई लूट नहीं मिली, बस वो एक वेपन ही था, रोमन पार्टीसन जो भी था। उसके बाद आई गेस वो दूसरे जो जोन्स है जो अभी तक अपन एक्सेस नहीं किए, वहां पे भी कुछ ना कुछ लूट होगी। तीन मिशन्स है यहाँ पे, होटल फेमल एंड डुआफिन। तो ये डुआफिन जो है ये अपन को ला पाए थे, एक्चुअली में उसके कुछ इवन प्लान्स है कि नहीं वो बताएगा। निकोलस फैमिल की क्रिप्ट, क्रिप्ट का ये दोनों एक बार पढ़ लेते अपन साइड क्वेस्ट। निकोलस फैमिल का जो क्रिप्ट था ये आई थिंक कोई रेयर आइटम यहाँ पे छुपा के रखी है ऐसा कुछ है। सेटिंग माय थॉट्स एग्जैक्टली दैट फैमिल वाज बरीड विद लैपिस, ये जो भी है ये वाला आइटम, नो वन नोज द ट्रू नेचर और इवन इट माइट लुक लाइक, ऑल इट नो दैट इट इज सेट टू ग्रांट अनटचेबल रिचेस एंड इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ तो वही वो जो भी आइटम है वो उसके क्रिप्ट में है कि नहीं वो देखने जा रहे। फिर स्लीपलेस वाला वो होटल वाला साइड मिशन है, कैओस रेंज इन पेरिस सीम्स टू बी कंड्यूसिव टू अ ब्रेक इन एट द टाउन हाउस वेयर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉलोनिस्ट मीट्स वेस्ट ऑफ लेस हेलास। ये मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है क्या ये, बट वी मस्ट लुक इन टू दिस, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट I'll let these poor souls endure our hell. Our organization will not let these poor souls. 2 months ago, this is when I overheard a conversation between two planters, wanting to create sleepless slaves. या कुछ लोगों को slavery करने के लिए वगैरह ऐसा कुछ था, एक थोड़ा बहुत याद आ रहा है लेकिन मुझे exactly याद नहीं पूरा। वो ये location मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है अभी। यहाँ पे अपन ऐसे एक ही बार आए थे।
एक सेकेंड, आई थिंक अपन ने जो इक्विपमेंट्स हैं, आइस ग्रेनेड खत्म है, कुछ और इक्विप करते हैं। इम्प्रूव फ्लेम ग्रेनेड, इम्प्रूव एक्सप्लोसिव ग्रेनेड, फ्लेम ग्रेनेड ज़्यादा क्या पड़ा है मेरे पास? नॉर्मल फ्रॉस्ट वाला, वो होटल है, ठीक है। ये रस्ते की जगह जाते हैं। दूसरा साल ही वहां से आ रहा है, ठीक है, चलो वो मर गया। आई थिंक वो शॉर्टकट था, अपन घूम के आ गए, ठीक है। अबे कहाँ से उठ के, और ये वो सेंट्रल जोन है जहाँ से अपन जंप कर करके आए थे, ठीक है। वहां से अगर राइट जाएंगे तो अपना चैरियट मिल जाएगा वहां से। ब्रॉन्ज सिंगॉट, हाँ उधर ऊपर एक और रुक चुकी है। बॉस फाइट है ये यहाँ पे? बॉस तो नहीं है, आई गेस मिनी बॉस है। बॉस भी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है। कर रहा था उसको मार दिया मैंने। अपन इसको ओमेट भी कर सकते, ऊपर ग्रैपनल ले रहा ना, मैं वो लेके भाग सकता हूँ। जब कुछ लड़ना है तो जरूरी नहीं है। जब वो अपना पिलर जमीन पे पटकता है ना, उस टाइम पे अगर तुमने फ्रंट से अटैक किया ना, वो पैरी कर देगा। अभी पहली बार आए थे ये बॉस, ये एज क्या कहते हैं उसको, मिनी बॉस आया था, उसके बाद नॉर्मल एनिमी बन गया। चीजें मिली, आई थिंक वो मस्केट, आई गेस अपने पास अभी तक दो गन्स आ गई, एक फायर वाली एक आइस वाली, तो ये शायद तुम्हारी फुलमिनेशन वाली पिस्टल होंगी। यप वही है, तो इसको भी कंप्लीट नहीं, ये फ्रॉस्ट वाला है। ये नहीं, गन मैंने दूसरी उठाई है, और मस्केट शायद यही थी ना, लाइटनिंग वॉर्टेक्स, तो ये फ्रॉस्ट क्यों लिखा हुआ है?
With a unique alchemical combination, this royal musket can deliver a vortex of lightning, ideally for electrocuting a group of. This is a unique weapon. इसमें दो चीज है आई थिंक. ये जो शॉर्ट्स फायर करता है वो आइस वाल है, एंड जो इसका स्पेशल एबिलिटी वो लाइटनिंग वॉर्टेक्स है. ग्रुप ऑफ ऑलरेडी फ्रोजन एनिमीज वॉर्टेक्स लाइटनिंग आइडियल फॉर इलेक्ट्रोक्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ फ्रोजन एनिमीज. ओके कूल कूल, दैट्स अ यूनिक वेपन. आई थिंक मैं इसको अपग्रेड करूंगा. गन मैं अभी तक वो आइस वाले को अपग्रेड कर रहा था. अभी अपने पास तीन ऑप्शन आ गए गन के, एक है कम्प्लीटली फायर, एक कम्प्लीटली आइस, एंड एक है फायर एंड फुलमिनेशन. दिस इज अ कूल वेपन, यूनिक है थोड़ा. देखता हूँ मेरा फायर आइस बैटन, ये जो ग्लास कोर बैटन से अपग्रेड होने के बाद वो गन को अपग्रेड करूँगा. आई गेस अपन को आर्मर सेट भी मिला था, कुछ 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 तो था. अब बढ़ा रहा अपने एंड्योरेंस बढ़ा रहा है, स्टैमिना बेसिकली, और बैलेंस बढ़ा रहा है. सेम चीज है. Field with the dead tree. I might be able to stop this experiment. Dear honorable members of Club D Hotel, okay, I have taken note of misgivings expressed in your organization most recent reports. I am ready to demonstrate to you without delay that my process is already operational tomorrow at dawn. Go. So CH to the Faubourg of Jovie place hai, to the place known as the dead tree. There you will be able to see how quickly my sleepless slaves. ये मुझे अभी अच्छे से याद आया. तो ये किस बंदे ने रिक्वेस्ट किया था वो मुझे याद नहीं, कैरेक्टर ने, लेकिन उसने बोला था कि ये लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे ये लोग ऐसे स्लेव्स बना सकते हैं जिनको सोने की जरूरत नहीं है, एंड उनको ये फिर ये वॉर वगैरह के टाइम पे यूज कर सके. तो ये ऑब्वियसली स्लेवरी को रोकने के लिए अपनी मदद मांगी थी उसने. तो इन्वेस्टिगेट आई गेस अपन को एक नया लोकेशन मिला है, निकोलस फैमल. Don't tell me कि एक अलग लोकेशन पे है. जब ये सीन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लेस इनवैलिड है, ठीक है, चलेंगे उधर भी. ओके, अब सवाल है कि अगला पास कौन सा पड़ेगा यार से. डॉफे निकोलस फेवर, निकोलस फेवर का फिर पास लग रहा है. रेस्ट कर लेते यहाँ पे. आई थिंक शायद अपग्रेड आ गया होगा मेरा, अपग्रेड के क्लोज होगा. 5000 चाहिए शायद होगा मेरे पास, देखते. इंस ऑफ अ वॉरियर स्पिरिट 14 पड़े मेरे पास. ग्रेड इंजीनियरिंग हो चुका है, एलिमेंट्री एल्केमी हो चुकी है जितना मुझे करना था. अब ड्यूरेबिलिटी अपनी एचपी बढ़ाएंगी, विगर अपना स्टैमिना बढ़ाएगा. स्टैमिना स्टैम बस एचपी में पॉइंट डालते.
लोकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो ये शॉर्टकट वाली गेट को जरूर है, इसलिए अपन को आसानी पड़ रही है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनिमीज। और फिर वो सीजर वाले एनिमी दिख रहा है जो काइंड ऑफ मुझे थोड़ा टफ लगता है, अभी जितने भी एनिमीज हैं उनमें वही थोड़ा टफ टाइप का लगता है। अब करने वाला तो मर जाएगा जल्दी। इस पे फोकस। अरे भाग के हरा ली, इसका रेंज बहुत ज्यादा है। नॉन वन में मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत होगी, लेकिन जब और भी बंदे आ जाते हैं ना साथ में तो फिर ये दिक्कत देना चालू कर। एक और इसको निपटा दे। एक रीजन इसके हार्ड लगने का ये भी है क्योंकि इसके अभी तक मूव सेट सब सीखे नहीं है। दूसरा बंदा कहाँ से आ पड़ा? ओ पैरी कर गया ना। ये आई गेस ये शॉर्टकट है। वहां पे एक ब्रेकेबल वॉल दिख रहा है लेकिन प्रोबेबली अपन ऑपोजिट साइड से आने वाले, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मुझे ग्रैब नहीं दिख रहा। वायरल का भी यूज होता ही नहीं है मेरा से, फ्लेम रेजिस्टेंट वायरल जो ये। बढ़िया था ना। ये ऐसे इतने बढ़िया से रेस क्यों दिख रहे हैं बाहर की तरफ? मुझे लग रहा है पूरे के मैंने पहली बार देखा है ऐसे लाइट के रेज ऐसे बाहर की तरफ पड़ गए। आई थिंक अंदर को जैसा फायर प्लेस टाइप का हो उससे ऐसे बाहर लाइट रेज आ रही है। देयर इज अ बिग गाय एंड इसको कैसे देखा नहीं मैंने। तरफ एक रास्ता जा रहा है, इस तरफ क्या है? और भी है। आई थिंक अपन को इवेंचुअली उधर ही जाना है, बट इधर भी मुझे चढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा, अपन को वहीं से चढ़ना पड़ेगा। हाँ तो
exploding air. Okay. Yep, exploding rocks. Grappling, okay. Warrior spirit. Knights, Lord. Shortcut जो मैंने उस तरफ से देखा था, which is cool, बढ़िया. अब अपन मर गए तो इतना घूम फिर के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. And there is a checkpoint. ये side mission थोड़ा बड़ा है, checkpoints वगैरह यहाँ पे. और underground जा रहे हैं इस तरफ. मुझे लग रहा है अंडरग्राउंड जाके यहाँ पे निकलेगा वो. मेंड्री तक तो पहुंच गए तो सर क्रिप्ट ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए. यूजुअली बफ करने के लिए रखते हैं, लेकिन जिसको बफ करने वाला था तो पहले ही मारेंगे. मैंने देखा है इसको यूजुअली बड़े बड़े जो थोड़े टफर एनिमीज होते हैं उनके साथ रखा जाता है. बस बस हो गया. अपन वो जंप कर सकते हैं थोड़ा और भाग के आके. वॉरियर स्पिरिट
पहुंचे ही नहीं वहां अपन अभी तक, काफी घूम लिए इधर उधर. Someone has already taken a close interest in this tomb. हाँ ये है निकोलस फर्मल का क्रिप्ट. ओके एटलीस्ट कुछ लूट चेस्ट है यहाँ पे. अच्छा ये चांस हो सकते हैं, अपन को ये पता है कि कैलिस्ट्रो समाओ रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो निकोलस फेमल के टूम से वो जो भी चीज मिली थी, क्या चांसेस है कि कैलिस्ट्रो वो यूज करके रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो जो भी आइटम है उसकी पावर्स अभी तक पता नहीं है, बस ये पता है कि वो अननोन रिचर्स एंड इटर्नल लाइफ वगैरह देता है. सर मे भी चांसेस हो सकते हैं इसके लिए, अभी कुछ और मिस तो नहीं हुआ. I'll go to the Tuileries and follow the directions on the receipt. It also mentions the Quartier du Saint-Eustache and Rue Saint-Honoré. तेरी शायद ये कलर लोकेशन है की टू Tuileries ट्रैक डाउन द कैग्लिस्ट्रो, ट्रैक डाउन कैग्लिस्ट्रो, फाइंड जोसेफ. है कैग्लिस्ट्रो इधर आ गया, ये साइड मिशन का पैड आई थिंक एक साथ ऐड हुई है, अभी पहले तो थे नहीं डेफिनेटली. हाँ साइड मिशन बड़े हैं जैसे कि मैंने बताया, तो तीन तीन एपिसोड मैक्स लग सकता है, लगेगा तीन एपिसोड. मैं ऐसा भी सोच रहा था कि तो लगते साइड मिशन छोटे एक एपिसोड में निपट जाए, बट नहीं बड़े अच्छे खासे. देखो बिना एल्कमी के मार रहा हूँ तो तुम्हें देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा डैमेज कम है बैटल्स के, तो सारा खेल एल्कमी का ही है. और मैं एल्कमी बिल यूजुअली करता नहीं हूँ, एल्कमी बिल भी अपना देखो एल्कमी यूज़ किया चार हिट में मारने वाले, और मुझे चार हिट करने भी नहीं पड़ते, मैं पीछे खड़े रह सकता तो जल्द ही मर जाता. यूजुअली मेरा सबसे मेन स्ट्रेंथ बिल्ड ये रहता है. वो तो है ये फायर वाला बन गया. लो लटक गए ये तरह अटक गया. कोई नहीं, आई विल टेक दैट. मैंने बाद में रियलाइज किया क्योंकि उस पर बिल्डअप काफी स्लो हो रहा है, तो ये गेट खुल जाना चाहिए. ओह दैट रैप्स अप निकोलस ने, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन ये एरिया पे उस साइड मिशन का काम खत्म हो चुका है. आई गेस यहाँ पे अभी एक ही साइड मिशन होना चाहिए. सो इज द प्लेस ऑफ ड्वार्फ क्लिफ. एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, 1 आवर मार्क क्रॉस होने वाला है, बट आई थिंक अपन को ये भी कर लेना चाहिए मे बी. अगर ड्रॉप लेन का जो मिशन है ये अगर काफी ज्यादा लंबा लग रहा होगा तो अपन कुछ चेक पॉइंट वगैरह मिलेगा तो उधर रैप अप करेंगे.
Yes, that is on the opposite side. हाँ आई थिंक अपन गलत आ गए, यहाँ से तो उधर जाते नहीं जमेगा। बस अंडरग्राउंड से कोई रास्ता हो तो अलग बात है। है और याद नहीं आ रहा। ये होना चाहिए फिर, यही एक बच्चा है फिर। हाँ यस, यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा ये अपन वो एरिया में आए जहाँ पे अपन बिशप बॉस से लड़े थे, बिशप टाइटन बॉस जो था। ऑलमोस्ट देयर, पहुंच गए अपन। लिस्ट ऑफ मेन एंड वॉलंटियर्स हु हैव एनलिस्टेड इन द नेशनल गार्ड, कॉलोनल आर्मांड द मोस्ट सीनियर ऑफिसर या इज ऑन द फर्स्ट लाइन। आगे दो क्लूज ढूंढ रहे थे, नॉट इवन द कमांडिंग ऑफिसर वाज स्पेयर्ड। एक ही क्लू मिला। Lafayette didn't hand over his army to the king. This must certainly be Colonel Armand. I should keep looking around Place Dauphine. Yellow cartridges. The conspirator's secret sign. There was most certainly a conspiracy. There's no doubt about that. But those involved shared the same fate as the rest of them. I should keep looking around Place Dauphine. और कुछ है क्या आपको? हाँ अभी तक एक ही मिला है स्टील। A headquarters at the Pont au Change. By all appearances, it's not official. Most likely an underground hiding place that can be entered from the riverbank. I'll try to track down Capitaine Lefebvre. If he and his men withdrew to the Société des Amis des Noirs, he must have gone towards the Châtelet. It would have been a desperate move for certain. I doubt any of them survived the retreat. Okay,
फाइंड द सीक्रेट हेडक्वार्टर्स, फाइंड कैप्टन। ओ ओ भाई, बात ये कि आज के एपिसोड में कंटिन्यू करें कि अगले एपिसोड में ले। यहाँ पे दो साइड मिशन है, एक साइड मिशन है, एक यहाँ पे। ओके एनीवेज गाइस, एक काम करते हैं, एपिसोड यहीं पे रैप अप करते हैं। अगले एपिसोड में पहले ये जिस लोकेशन पे अपन ऑलरेडी है यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। यहाँ पे जो दो साइड मिशन है, एक तो एक कैप्टन को ढूंढना है एंड इनके सीक्रेट हेडक्वार्टर्स को ढूंढना है, ताकि अपन को ये क्लियर हो सके कि लाफाइटे जो है इसके कुछ इवन प्लान्स है कि नहीं, वो क्लियर हो सके। एंड उसके बाद फिर जो दूसरे अलग लोकेशंस है वहाँ पे प्रोसीड करके वो साइड मिशन भी कम्प्लीट करेंगे। एनीवेज आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।